लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इकबाल भाई जिंदाबाद, इकबाल भाई जिंदाबाद, इकबाल भाई जिंदाबाद, इकबाल भाई जिंदाबाद, इकबाल भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद तो है आप लोग जिन्होंने आज मुझे इन अमीरों के सवालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म से उठाकर इलेक्शन प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। हाँ पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? तुम एक गरीब कंवार अनपढ़ इन लाखों लोगों की मांगे पूरी कर सकते हो, इनकी समस्याएं दूर कर सकते हो, इनको घर दो वक्त की रोटी दिला सकते हो? कोई माई कलाल किसी को दो वक्त की रोटी नहीं दिला सकता, क्योंकि रोटी दिलाने वाला वो मालिक है जिसने हर इंसान को दो हाथ दिए और कहा है कि चीर दे जमीन का सीना और निकाल ले अपने हिस्से की रोटी। मगर आप लोग हम गरीबों का सीना चीर कर हमारे हिस्से की भी रोटी निकाल लेते हैं, हमारा खून निकाल लेते हैं, और आपका बस चले तो हमारी आत्मा भी निकालकर बेच देंगे। तुम समझते हो सारी दुनिया तुम्हारे कंधों के जोर से चलती है? एक करोड़ गरीबों को पालने के लिए एक अमीर का होना बहुत जरूरी है, इसलिए मान लो दुनिया का कोई भी काम अमीरों के बिना नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? कभी किसी अमीर को सरहद पर गोली खाकर मरते हुए सुना है? अरे वो गरीब ही होता है जो सरहद पर अपने सीने पर गोली खाकर देश की आन बढ़ाता है। ये दुनिया अमीरों से नहीं, हम जैसे लोगों से चलती है, क्योंकि ताजमहल से लेकर एक छोटा सा घर भी मेरे जैसे किसी गरीब भाई ने अपने कंधों पर पत्थर ठोकर बनाया है, किसी अमीर ने नहीं। अमीरों ने तो जो कुछ भी बनाया है वो रिश्वत या रिश्वत के बलबूते पर बनाया है। कोई 10 रुपए में वोट खरीद लेता है, 100 रुपए में कोई अपनी अर्जी पास करवा लेता है, 1000 रुपए देकर कोई अपना इम्तिहान पास कर लेता है, लाखों रुपए देकर ये लोग अपना टेंडर पास करवा लेते हैं। अरे मैं तो कहता हूं सबसे पहले इन रिश्वतखोरों को पहल कराओ, तब जाकर के ये मुल्क पास होगा। अरे बेटा इसको बंद करो वरना मेरा हार्ट बंद हो जाएगा, ये सब पर आया चूहा। क्या इसका जवाब भी मुझे ही देना होगा? नहीं, इसका जवाब मैं दूंगा तुम्हें। ये खून, ये जख्म इस कुली के मेहरबानी का नतीजा है। ये नहीं चाहता था कि मैं आप तक पहुंच सकूं, इसलिए इसने अपनी माशुका के जरिए मुझ पर गोलियां चलवाई। ये झूठ है, ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो जाकर देखो पुलिस स्टेशन में कौन बंद है। लेकिन जिन्होंने हम पे गोलियां चलवाई हम उन पे फूल बरसाएंगे। फौरन उस तरफ मत देखना, मेरी बात सुनने के बाद देखना। तुम्हारा बाप असलम जिंदा है पर इस वक्त मेरे कब्जे में है। मेरे अब्बा? वो सामने प्लेटफॉर्म पे जो बूढ़ा आ रहा है वो। तुम्हारे बाप की जिंदगी इस वक्त मेरे कब्जे में है, इसलिए सिलेक्शन से अपना नाम वापस ले लो वरना। क्या हुआ एक भाई बेटे? मामा वो जो सामने खड़े हैं क्या वो मेरे अब्बा हैं? असलम भाई? हाँ बेटे ये तुम्हारे अब्बा ही है। आइए आइए जफर साहब, वेलकम वेलकम। जफर साहब ने हार पहनाते वक्त इतना बड़ा काम करने का वादा किया है कि इस वक्त मैं न उनका मुकाबला कर सकता हूं और ना ही बयान कर सकता हूं। मेरी दुआएं उस तरफ उनके साथ हैं, इसलिए मैं अपना नाम इस इलेक्शन से वापस लेता हूं और आप सबसे माफी मांगता हूं।
जफर साहब के मुकाबले से इसलिए अपना नाम वापस नहीं लिया कि जफर साहब ने आप लोगों के लिए वादे किए हैं, बल्कि जरूर जफर साहब ने इकबाल भाई को धमकी दी होगी। ये जफर की असलियत क्या है आप इनकी जबानी सुनिए साहिबान। मेरे सरताज इकबाल के अब्बा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेगम। भाइयों ये बोलने कैसे लग गई? ये लोग जो आपके मम्मी जफर के खिलाफ कुछ मत कहना, अब्बा की जान खतरे में। जिस अल्लाह के रहमत मेरी खोई हुई बेटी को मुझसे मिला दिया वही मेरे शोहर को सलामत रखेगा। जनाब जफर साहब मेरे बोलने पर आपको ताज्जुब हो रहा है ना? ये अल्लाह का करिश्मा है, कुराने मजीद का मौजिजा है कि उसे सही वक्त पर मेरी याददाश्त और जबान लौटा दी। सामने वालों के माइक्रोफोन के बाहर काट दो। भाइयों ये आदमी जो अपने मामूली जख्म दिखाकर आप लोगों की हमदर्दियां खरीदने की कोशिश कर रहा है हकीकत में वो जल्लाद है, जालिम है, इससे कई घर बर्बाद। बिजली के तार काट कर आज तुम सलमा की आवाज को नहीं रोक सकते जफर साहब। आज जब उसने आवाज दी है तो ये हर रेत के दिल तक पहुंच के रहेगी। भाइयों ये मेरे बाप का कातिल है। 20 साल तक ये मुझे बिजली का शॉक दे देकर मेरी याददाश्त मिटाता रहा ताकि मैं अपने शौहर अपने बेटे अपने घर को याद न कर सकूं। हाँ ये सच है कि इनको इलेक्ट्रिक के शॉक दिए जाते थे, मगर मैं कोई अपनी खुशी के लिए नहीं देता था, डॉक्टर के कहने पे देता था क्योंकि इन्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो पूछ लीजिए इनसे। भाइयों मैं क्या बताऊं आपको, जफर साहब ने इनके शौहर की तलाश में अपनी सारी उम्र लगा दी और जब इनको यह पता चला कि इनके शौहर जिंदा हैं तो वो खुद उन्हें यहां ले आए ताकि आपके सामने आप लोगों की मौजूदगी में वो सालों से बिछड़ी हुई मियां बीबी को मिला सके। आज ऐसे फरिश्ते को गाली देना इंसानियत को गाली देने के बराबर। मियां जाइए, आपकी बेगम आपका इंतजार कर रही है। मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। इलेक्शन में हमारा बहुत पैसा लग चुका है, वो सब डूब जाएगा और अगर कहीं ये पब्लिक भड़क गई तो कौवों की तरह नोच नोच कर हमें खा जाएगी। जानम मजा पब्लिक, तुम्हारा पैसा और तुम्हारा इलेक्शन, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैंने जिंदगी में हारना सीखा नहीं है। अगर सलमा मेरी नहीं हो सकी तो जीती जी किसी की नहीं हो सकेगी। जल्दी करो, मुझे लगता है यहां को गड़बड़ होने वाली है। मामा, हमें डॉक्टर सिग्नल मिला है। इकबाल बेटे स्टेज तोड़कर जाना होगा। Thank you.
अली की मजार है तो अंदर नहीं जा सकता। सफर के बढ़ते हुए कदम कोई नहीं रोक सकता। इसमें तीन गोलियां भी और बाकी हैं। बाबू चला गोली। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। चला गोली। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। محمد رسول अम्मी जान, तेरी जबान से ये बेटा लफ्ज सुनने के लिए जिंदा हूं। एक बार फिर मुझे बेटा कहकर बुला दे मां। आज परसों बाद तुझे गले लगाए मेरे बच्चे। मुझे छोड़कर मत जा, मुझे छोड़कर मत जा मेरे बच्चे। इंसान का आना या जाना उस पे है। मुबारक हो, अब आपके बेटे की जान खतरे से बाहर है। शुक्र है मालिक तेरा। यल्ला, 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 यल्ला।
बर्बाद है आप लोग। मैं तो चला गया था, लौट आया आप सब लोगों की दुआ से। आप सब लोग